हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कक्षा 12 का हेलोलेकेन एवं हेलोइन का आज हम पांचवा वीडियो पांचवे पॉइंट में पढ़ाएंगे एल्किल हैलाइडों या हेलोलेकेनों के विरचन की विधियाँ। विरचन मतलब बनाने की विधियाँ। हम लोग अब सीखेंगे हेलोलेकेनों के बनाने की विधियाँ या विरचन की विधियाँ। हेलोलेकेन या एल्किल हैलाइड क्या होता है? आर यक्स को भी कहा जाता है एल्किल हैलाइड, है ना। इसी आप आर मतलब एल्किल मूलक है, यक्स मतलब हैलोजन है ना। अगर कोई भी हैलोजन युक्त यौगिक क्या करे, आर के पास आ जाए तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो आर के पास कैसे आएगा, इसके लिए कई विधियाँ हैं। वही एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ, जैसे एक है एल्किल हैलाइड बनाने की एक अच्छी सी विधि है एल्कोहल द्वारा, फ्रॉम एल्कोहल। एक तो विधि आप एल्कोहल द्वारा बना सकते हैं। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल को ROH कहा जाता है। एल्कोहल श्रेणी का जो सूत्र है ROH है। एल्कोहल से अगर इसी OH को कौन हटा दे, हैलोजन। अगर हैलोजन हटा देगा तो बन जाएगा आर यक्स। OH माइनस हो गया, कौन हटा दिया, यक्स, तो बन जाएगा आर यक्स। इसी को कहा जाता है एल्किल हैलाइड। यानी एल्कोहल से अगर OH को हैलोजन हटा दे तो बने यौगिक को ही एल्कोहल कहा जाता है, एल्किल हैलाइड कहा जाएगा। एल्किल हैलाइड RX होता है, इसी को हमको बनाना है। किसके द्वारा? यानी एल्कोहल द्वारा, OH द्वारा हमको बनाना है RX को, है ना। RX तब बन जाएगा जब OH हट जाए तब। अब कौन हटाएगा, यह हैलोजन या हैलोजन युक्त यौगिक, है ना। हैलोजन युक्त जो यौगिक होते हैं वे OH को हटा देंगे। हैलोजन युक्त यौगिकों में हैलोजन अगर हटा देगा तो एल्कोहल बनेगा। तो एल्कोहल द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने की भी कई विधियाँ हैं, है ना। उसमें से एक होता है एल्कोहलों की फास्फोरट्राई एवं फास्फोरस पेंटा हैलाइडों से क्रिया द्वारा। यानी एल्कोहलों की फास्फोरट्राई एवं पेंटा हैलाइडों से क्रिया द्वारा बनाया जाता है, है ना। अब कैसे बनाएंगे, देखिए, जब एल्कोहलों की आप फास्फोरट्राई या पेंटा हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो एल्किल हैलाइड बनता है। तो देखिए रिएक्शन देखें, जैसे एल्कोहल का सूत्र आपको पता है ROH होता है, है ना। फास्फोरट्राई हैलाइड मतलब PX3, है ना। देखिए जब PX3 से लिखेंगे तो यहाँ आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये हो जाएगा 3RX। यानी जितना एल्किल मूलक हो उतना एल्किल हैलाइड निकालिए, बनाइए, है ना। शेष क्या बचा देख लीजिए, 3 हाइड्रोजन बचा है तो लिखिए H3। P1 बचा है P, O3 बचा है, यानी 3 है O3, है ना। एक फास्फोरस अम्ल है ना, इसको फास्फोरस अम्ल कहा जाता है, जबकि यह है एल्किल हैलाइड। यह एल्किल हैलाइड है, यह है फास्फोरट्राई हैलाइड, है ना। यह एल्कोहल है, एल्कोहल द्वारा एल्किल हैलाइड इसी प्रकार बनाए जाते हैं। यह इसके बनाने के सामान्य भी है ना, करे सामान्य विधि। अच्छा, जितने एल्किल हैलाइड बनाइए कब, जब आपको R पता हो। R क्या है, यक्स क्या है, यक्स मतलब हैलोजन है, R का मतलब है एल्किल मूलक है। इसका सूत्र है CN H2N+2 होता है, +1 होता है। इस फार्मूले का मतलब होता है कि जितना कार्बन रहेगा उसके दुगने से एक अधिक क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, है ना। तो बनेगा क्या, बनेगा कार्बन हो एक, एक दुना दो,
है ना। एक और लाएंगे तीन होगा, इसका नाम है मेथिल, क्या नाम है इसका, मेथिल, है ना। अगर कार्बन हो दो, दो दो चार है पाँच, दो कार्बन से एथ होता है, मिल जोड़िए एथिल, उल्लंघ नाम है लिख रहा हूँ इनका, है ना। अगर कार्बन हो तीन, तीन दो छः दो, तीन दो छः एक सात, ये होता है प्रोपिल, क्या होता है प्रोपिल होता है। अब कार्बन चार हो, चार दुनिया आठ एक नौ, यह ब्यूटिल होता है कि नहीं। अरे यही आ रहे, ये सब आ रहे हैं, एक कार्बन अलार, दो कार्बन अलार, तीन कार्बन अलार, चार कार्बन अलार, है ना। अरे जब एक कार्बन हो तो उसको मेथिल बोलेंगे, दो कार्बन हो तो एथिल बोलेंगे, तीन का प्रोपिल बोलेंगे, चार हो गए तो ब्यूटिल बोला जाता है ना। यह तो आप जानते हैं, यही का एल्केन नाम लिखेंगे, एक कार्बन से मीथेन होता है, दो कार्बन से एथेन होता है, तीन कार्बन प्रोपेन होता है, चार कार्बन से ब्यूटेन होता है ना। अगर हम यक्ष का मतलब देखें, यक्ष मतलब क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है, यक्ष का मतलब हुआ, है ना। अगर आप बता रहेगा इसी पर फिट कर दीजिए, कोई भी रिएक्शन आपको लिखा जा सकता है। चलिए मैं पहले वाले फिट कर दिखाता हूँ आपको। जैसे पहले कार्बन की बात करते हैं तो R की वैल्यू कार्बन लेंगे तीन से गुणा तो करनी पड़ेगा, R की वैल्यू सी एस थ्री ले रहे हैं, सी एस थ्री रहेगा। अब यह ओ एस तो रहेगा, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, धन P तो रहेगा ही। अब यक्ष की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, चलिए सी एल ले जाते हैं, थ्री हो जाएगा, है ना। अब थ्री रहेगा, आर की वैल्यू सी एस थ्री लिए हैं आप, यक्ष की वैल्यू यहाँ सी एल लिए हैं, धन यच थ्री पी ओ थ्री, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथिल, मेथिल क्लोराइड या इसी का नाम है क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन इसी का नाम है, आयुर्वेदिक नाम है क्लोरोमेथेन, है ना। इसका नाम है मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल या इसी का नाम है मेथेनॉल, मेथेनॉल आयुर्वेदिक नाम है ना। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, है ना। अगर और लिखना है तो, अगर लिखना है दूसरे कार्बन से एथिल क्लोराइड बनाना है या एथिल ब्रोमाइड बनाना है, तो आप जहाँ सी एस थ्री लिए हैं वहीं क्या लेना पड़ेगा आपको, सी टू एच फाइव, वो एक तो रहेगा ही, है ना, धन पी सी एल थ्री है ना, पी सी एल। अच्छा चलो एक बार हम बी आर को रखते हैं, बी आर थ्री है कि नहीं। अब आर की यहाँ तीन से गुणा करेंगे, तीन तो रहेगा ही। अब आर की जो वैल्यू लिए हैं वह सी टू एच फाइव लिए हैं, यक्ष की वैल्यू बी आर लिए हैं यहाँ पे, धन यच थ्री पी ओ, इसका नाम है ब्रोमोएथेन या एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड या आप एक नाम लिख सकते हैं ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन या एथिल, इसको आप कह सकते हैं एथिल एल्कोहल, या इसी का एक नाम और है एथेनॉल, आईपीसी नाम एथेनॉल, है ना। तो ये होता है फास्फोरस ट्राई हैलाइड द्वारा एल्कोहलों की हम फास्फोरस ट्राई हैलाइड से क्रिया कराएंगे, एल्कोहल मतलब एल्किल हैलाइड से क्या बनता है। अब हम लोग देखेंगे एल्कोहलों की फास्फोरस पेंटा हैलाइड उसकी द्वारा कैसे बनता है। अब हम लोग देखेंगे एल्कोहलों की फास्फोरस पेंटा हैलाइड उसकी क्रिया द्वारा, तो हम लोग देखेंगे एल्कोहलों की फास्फोरस पेंटा हैलाइड उसके द्वारा, यानी एल्कोहलों की पी एक्स फाइव से क्रिया द्वारा, है ना। आर ओएच मतलब एल्कोहल है कि नहीं। अब हम लोग एल्कोहलों की फास्फोरस पेंटा हैलाइड से क्रिया द्वारा एथिल हैलाइड बनने का समीकरण देखिए, बनेगा
एल्कोहल मतलब आर ओएच रहेगा, आर ओएच है ना। पेंटाहैलाइड का मतलब पी एक्स फाइव है ना। जब क्रिया कराएंगे तो जितना आर हो, जितना आर हो उतना एल्किल हैलाइड बनाइए, यानी आर एक्स आर ई के देख एल्किल हैलाइड बनाइए। शेष एक हाइड्रोजन है ना, एक एच एक्स निकाल दीजिए, एच एक्स निकाल दीजिए है ना। अब क्या क्या बचा है ना, पी ओ है ना, देख लीजिए पी बचा है और एक ओ बचा है, तीन एक्स बचा है, एक्स तीन एक्स हो गया, देख लीजिए पूरा बैलेंस होगा। आर एक है, आर एक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन भी यहाँ एक है, फास्फोरस एक है, फास्फोरस यहाँ एक है, हाइड्रोजन पाँच है, एक दो दो तीन पाँच है ना, पाँच एक हुए। अब इसका नाम ही तो चाहे लिख दीजिए, यह एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है ना, यह फास्फोरस पेंटा हैलाइड है, पेंटा हैलाइड है, यह एल्कोहल है ग्रंथि है ना। यह इनका एक जनरल रिएक्शन आपको फार्मूला बन गया, जो ये याद कर लेंगे तो साँचे जैसा आपका कार्य करेगा। अभी मैंने आपकी आर की वैल्यू दिखाया था है ना, आर की वैल्यू दिखाया और एक्स की वैल्यू भी दिखाए थे है ना। कहें तो एक बार और लिख दें, आर की वैल्यू क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होता है ना, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। आर का मतलब जितना कार्बन हो उसके दुपहर से अधिक हाइड्रोजन, मेथिल कार्बन दो तीन चार एक पाँच, एथिल कार्बन तीन तीन छः एक सात, क्लोरोफिल है ना। यक्स की वैल्यू यहाँ क्या होगी, लोरीन लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होता है कि नहीं। अब देखिए आर की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, चलिए सी रख जाते हैं, और यह तो रहेगा ही धन है ना। पी एक्स की वैल्यू सी एल फाइव, आर की वैल्यू सी एस सी लिए हैं, एक्स की वैल्यू सी एल लिए हैं, एच एक्स की वैल्यू सी एल धन, पी ओ सी एल थ्री ना। इसका नाम है क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, ये फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है या मेथिनॉल या मेथिल एल्कोहल है, एल्कोहल मेथिल एल्कोहल है ना। अब इसको ना ले तो आप बगल वाले को भी ले सकते हैं, C2H5OH अधिक कार्बन वाले को। अब पेंटा हैलाइड ना ले तो Br फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, बनेगा C2H5Br धन एच बी आर धन का पी बी आर थ्री है कि नहीं। यह एथेनॉल है, यह फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड है, यह है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अब प्रोपिल ब्रोमाइड लेना है तो तीन कार्बन रखिए, अब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखिए तो बन जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड या प्रोपिल क्लोराइड या प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह होता है एल्कोहलों की फास्फोरस ट्राई एवं पेंटा हैलाइड्स क्रिया द्वारा एल्कोहल कैसे बनाया गया मैंने आपको बताया। अगली विधि है एल्कोहलों की हैलोजन अम्लोस क्रिया द्वारा, बनाने के अगली दूसरी विधि है एल्कोहलों की हाइड्रोजन अम्लों या हाइड्रोजन हैलाइडों क्रिया द्वारा, अब हम लोग एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइडों क्रिया द्वारा बनाएंगे। ये कब होता है, जब ZnCl2 उत्प्रेरक उपस्थिति हो या निर्जली कारक उपस्थिति हो, ZnCl2 उत्प्रेरक हो या निर्जली कारक होता है
JDNCl2 उत्प्रेरक उपस्थिति में एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइडों से क्रिया में निर्जलीकरण द्वारा एल्किल हैलाइड बनता है। निर्जलीकरण द्वारा एल्किल हैलाइड बनता है। देख लीजिए, जैसे एल्कोहल का फार्मूला है ROH ना धन। अब हाइड्रोजन हैलाइड का सूत्र है ये HCl। निर्जलीकारक JDNCl2 हो सकता है और H2SO4 भी कर सकता है ना। यह निर्जलीकारक है, जल निकाल देगा तो जल क्या होता है OH, यहाँ OH जल OH जल निकल जाएगा, यक्ष यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आयक्स धन का OH जल है, यह है एल्किल है। यह एल्कोहल है ना, यह हाइड्रोजन हैलाइड है। अब चाहे जितने को फिट करिए है कि नहीं, आर की वैल्यू सी एस ले सकते हैं, है ना। आर की वैल्यू सी एस थ्री ओ एच रहेगा ही, धन एच एक्स की वैल्यू सी एल बी आर जो अच्छा लगे वो ले, है ना। जेड एन का सी एल टू है ना। अब सी एल को ओ एच के स्थान जो ओ एच क्या करेगा, सी एल क्या करेगा, ओ एच को हटा देगा तो बन जाएगा सी एल थ्री सी एल धन का एच ओ एच यानी एच टू। यह मेथिल क्लोराइड है, इसका नाम मेथिल क्लोराइड है, यह नाम इसका मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड है। इसका नाम मेथिनॉल या मेथिल एल्कोहल है, मेथी एल्कोहल है। अब हम लोग देखेंगे एल्कोहलों की सबसे अच्छी विधि है एल्कोहलों की थायोनिल क्लोराइड क्रिया द्वारा, यानी एल्कोहलों की थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से क्रिया द्वारा, से ये हो जाएगा क्रिया द्वारा। यानी एल्कोहलों की अब हम लोग थायोनिल क्लोराइड से क्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं। यह इनके विरचन की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। पहली बात समझे, एल्कोहलों की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया में एल्किल क्लोराइड बनेगा, क्योंकि उसमें सीएल है, एल्किल क्लोराइड बनता है। यह इनके बनाने की सबसे सर्वोच्च विधि है। क्यों? क्योंकि क्रिया में एल्किल क्लोराइड के अतिरिक्त यह सीएल और यह SO2 गैस बनता है जो आसानी से पृथक हो जाता है और शुद्ध उत्पाद आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। दिल्ली अच्छी विधि है, इसको जरूर याद करिएगा। ये आर का मतलब CH3 नहीं, जनरल रिएक्शन लिखते हैं ROH धन SOCl2 बनेगा RCl धन SO2 धन HCl। ये दोनों कैसे हैं, है ना। अगर तिरचिन्ह ऊपर हो इनको गैस कहा जाता है, यह एल्किल क्लोराइड है। इस भी द्वारा एल्किल क्लोराइड बनेगा, वो भी इनके विरचन की सर्वोच्च विधि है। क्यों? क्योंकि एल्कोहलों की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया में एल्किल क्लोराइड के अतिरिक्त SO2 और HCl बनता है जो गैस होता है और जो दोनों आसानी से अलग हो जाते हैं, है ना। अशुद्ध एल्किल क्लोराइड आपको प्राप्त हो जाएगा। यह थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड है ना। यह एल्कोहल आपको पता है, एल्कोहल है ना। अब R की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप, है ना। R की वैल्यू CH3 जो अच्छा लगे आपको, OH धन SOCl2 बनेगा CH3Cl धन SO2 धन क्या HCl। यह है मेथिल क्लोराइड, क्या है मेथिल क्लोराइड, या मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये आपकी वीडियो कैसा लगा एल्किल हैलाइड एवं हैलोजनों के बनाने की विधियों में एल्कोहलों द्वारा एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको बताया। एल्कोहलों द्वारा एल्किल हैलाइड इसी प्रकार बनाए जाते हैं, है ना। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना।